उत्तर प्रदेश में जब समाजवाद था वो वक्त लचर कानून व्यवस्था का था, लेकिन वक्त बदला, जनादेश बदला और बदल गई सरकार, तो उम्मीद उस वक्त जागी जब लगा कि शायद बदहाल उत्तर प्रदेश के कुछ हाल बदल जाएंगे। लेकिन सच्चाई इन बातों से कोसों दूर है, क्योंकि सूबे में योगी सरकार 3 साल बिता चुकी है, लेकिन आज भी प्रदेश के हाल बदहाल है। देखिए रिपोर्ट में। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की है और तस्वीरों में दिख रही मजिन महज 8 साल की, जिसके साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। लड़की के पिता ने इस बाबत में पुलिस को तहरीर दी है और आरोप लगाया है कि उसकी 8 वर्षीय बच्ची अपने घर के सामने मैदान में खेल रही थी, जिसे देहली दरवाजा निवासी एक व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया और डरा धमका कर गल्ला मंडी के पीछे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित बच्ची अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है। क्या नाम है? कौन से गाँव से? क्या मामला, क्या क्या हुआ आपके लड़के साथ? हाथ पैर फेंक कर ले गया था और जब उसको मुँह दबा के बोलने लगी तो मुँह दबा के ले गया और भाई आकर जंगल में ले आकर और इसके साथ बुरा काम किया। कब की घटना? 3 दिन से। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई कर रही है। पुलिस कितने दिन से पड़ती है यहाँ? 3 दिन हो गया। लड़के का नाम? उसका लड़के का किस नाम है? तो अब भर्ती किया तो कितने दिन हो गए लड़के? क्या नाम है आपको? कौन से गांव? क्या मामला है लड़के के साथ में, क्या हुआ? जोर से बताओ। कब की घटना? परसों की घटना। मेडिकल कब हुआ? मेडिकल एफ आई आर कब हुई थी? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो यही है, अभी माँ को भेज दिया था, वहाँ से भी उन्होंने कह दिया बोले एक्सरे होगा, अभी लड़की हालत ठीक नहीं हुई, यहाँ पे एक्सरे करवा लिए। कितनी गंभीर हालत है? गंभीर हालत बहुत ज़्यादा वाली, लेकिन इमरजेंसी भी इतना भारी हो गया। तो भर्ती करोगे क्या दिन हुआ? भर्ती करोगे 2 दिन भर्ती करोगे। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? वो तो यही चाहते हैं, सुबह भी लड़की वो लड़के वाले के घर वाले आए थे, वहाँ भी तलाशी कर रहे थे घर पर, को दिन के मैकिंग करूँगा अभी तलाशी कर मैकिंग करूँगा ये कोई मासी तो कैस थोड़ा ही ज़्यादा। कितनी उम्र है लड़के की आपकी? लड़की की 8 साल की। 8 साल। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपी को पकड़ लिया गया है। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या यही है योगी का रामराज्य? यूपी में बलात्कार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे हाथरस हो, बुलंदशहर हो, बलरामपुर हो या फिर संभल हो, बलात्कार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अपराधियों में पुलिस का खौफ ही नहीं है, बलात्कारी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला कर ही रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे। इस तरह की घटनाओं का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और बलात्कारी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? सर एक घटना हुई है फतुल्लासराय में, लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है, आप कैसा देखते हैं इसको? ये संभल का फतुल्लासराय नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में रोज रोज नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इस तरह की घटना से कहीं भी रामराज्य की कोई झलक नजर नहीं आती। ऐसा लगता है योगी राज में हर तरफ गुंडा राज है, कोई भी शासन की बात नज़र नहीं आती, हर जगह कुशासन नज़र आता है। एक इतनी छोटी सी बच्ची के साथ आज संभल में बलात्कार हुआ है, जो जिस्म से ही नहीं उम्र से भी नाबालिग, बहुत ज़्यादा छोटी है, देख करके उसे हैरत होती है कि किस तरह का राज्य, किस तरह का शासन आज उत्तर प्रदेश में है कि छोटी छोटी बच्चियों को बाहर भेजने में माँ बाप डर रहे हैं और वैसी चारों तरफ खुलेआम घूम रहे हैं बलात्कारी, खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार का कोई अंकुश बलात्कारियों पर नहीं है। आज एक संभल की बच्ची के साथ हुआ है, कल पता नहीं किस माँ बाप को, हर माँ बाप को डर है कि पता नहीं किसकी बच्ची बलात्कारियों का शिकार हो जाए। ये योगी राज है, ये गुंडा राज है, ये जंगल राज है। इंसाफ दिला पाओगे आपके? पीड़ित परिवार को भी इंसाफ दिलाएंगे और बच्ची को भी दिलाएंगे और उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक जिले में अगर कहीं भी इस तरह की घटना हो रही है तो कांग्रेस कमेटी का प्रिय कार्यकर्ता हर जिले में इस आवाज़ को उठाने के लिए तैयार है। हम इसे न्याय दिलाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़कों पर रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे।